तस्वीरां गुरु की नगरी अमृतसर तो सामने आईयां ने, जिथे अमृतसर दे गुरु नानक देव हस्पताल दी एक बार फिर लापरवाही सामने आई है, जिथे एक नवजमदा बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया। दसिया जा रहा है कि देर शाम एक परिवार दे घर 14 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। प्राइवेट हस्पताल दे विच इलाज कराने लई पैसे नहीं सन, सरकारी हस्पताल दे विच इलाज कराया, पर हैरानी बच्चे तो हाथ तो बैठे ए परिवार ते बच्चा चोरी हो गया। पीड़ित परिवार तरन तारन दे मजूपुरा पिंड दा रहन वाला है। पीड़ित परिवार ने मीडिया दे नाल गलबात दौरान दस्या कि साडी धी दे घर 14 साल बाद संतान पैदा हुई, साडे कोल प्राइवेट हस्पताल जाण दे लई पैसे नहीं सन, इस करके असीं सरकारी हस्पताल दे विच अपनी धी नूं दाखल कराया, पर एक औरत ने बच्चा चुकिया ते फरार हो गई। परिवारिक मैंबरां ने हस्पताल प्रशासन अते पुलिस उत्ते कारवाई ना करन दे गंभीर दोष लाए ने। बच्चा चोरी करके ले जाने वाली औरत सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमृतसर तो ब्यूरो रिपोर्ट, NC7 न्यूज़। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਟਾਫ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, कम से कम रेगुलर स्टाफ होएगा, उसकी ड्यूटी जो होगी वो अपनी ड्यूटी से पहले देगा। ऐसा तो पंजाब सरकार कुछ कर ही नहीं रही, इस करके ये जी दोषी हैगी। आज जी घटना हुई हैगी, ये बड़ी दर्दनाक घटना वा। अगर वारदात हो रही, अगर स्टाफ ने केयर कर रहा, इतों की जी नर्सिस है या डॉक्टर्स है वा, जो सिक्योरिटी गार्ड है वा, जब पंजाब सरकार बता नहीं रही, ये बहुत सारी जी है उन्होंने मैं वो वीडियो देखी है जी, वीडियो देखी है, जनानी चुक के बच्चा लेके गई आ गेट है, और किसी ने उसे रोकया नहीं यार, बड़े शांतिपूर्वक वो बच्चा। दो जने, एक लेडी सी जिन्हें बाइक स्टार्ट मुंडे ने किया वा, उस बाद लेडीज आई आ, बच्चा उतो लै के आई आ, अरमान ना जाके पहला एनुटन हो आ, फिर जाके बच्चा मतलब कि तीन दे की तीन सात दिन दे की, और ये बहुत जड़ी आ। हुण असीं किसनू कहीए, किन्ना मतलब मंग ही प्रशासन कहने, असीं पंजाब सरकार नूं कहने आ कि कम से कम साडा इत्थे सिस्टम होना चाहिए वा, सारी कंप्लीट जिहड़ा भी मरीज आउंदा है जांदा है, तुसीं गेट दी इनक्वायरी करो, उस तों बाद पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी ठेकेदार सिस्टम घट करके रेगुलर सिस्टम दे करी, तां कि मतलब जिहड़ा रेगुलर होएगा स्टाफ उहनूं पता होएगा। अजे कुछ सीसीटीवी टाइम 3:30 तों अजे 4 बजे अज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं होया, कोई कार्रवाई की, अजे कुछ नहीं, सानूं कुछ रिजल्ट नहीं है। असीं कहने कि पंजाब गवर्नमेंट नूं नाराज कहिए जिन्हें ठेकेदार सिस्टम मुहैया किया, अगर रेगुलर सिस्टम होएगा, रेगुलर स्टाफ होएगा, असीं उहनूं फड़ीए। नजरी आ रहा ना, नशा हो चुकिया वा, डॉक्टर लापरवाह वा, जे सिक्योरिटी गार्ड लापरवाह वा, फिर जे गेट साइन लंघ के गई आ, उत्थे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रीचैक नहीं कर रहा कि तू कौन है, कहदा बच्चा लेके आई हां, ऐसा मरीज बिल्कुल नजायज सिस्टम है। बच्चा वार्ड दे विचों गायब होया, और ये पंजाब सरकार की नलायकी हैगी, और ये आम आदमी का बिल्कुल एक उन्होंने बहाना लाया वा, एक गरीब आदमी का नाम यूज करके है, सब समगलर है, डाकू आ, कोई ये जरा वा 14 साल बाद संतान मिली वो भी किडनैप होगी, और ये नलायकी जी बर्दाश्त नहीं करने, निंदन योग हैगी है, ये वास्ते असं बहुत दुखी हाँ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਜ ਏ ਨਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਨੂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀ ਕਵਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਥੋਂ ਪਰ ਲੈ ਗਈ ਲੇਡੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ।
बिलकुल ढेलिया परसों रात दो चोर फड़े गया एक दिन पहला एक चोर फड़ेगा रोज दो दो चोर फड़न दे ठीक है जी फिर चोर नू फड़ के बाहर आन के जो सिक्योरिटी गार्ड छड़ देंदे आ सारे स्टाफ नू रिचार्ज करे देखे पाल करे किथे कमी आ जो कैमरे चेक करने वाला आया वो कहिंदा सानू अहीं की कर सकदे आ राखी रख सकते हो राखी मुलाजम रखनी असि थोड़ी रखनी है दो घंटे पांच घंटे हो गए पूरा काम हो ठीक है जी हूं आन के चेक करने तो भी पता नहीं लगन डा किसी चलाना नहीं आन डा कैमरा किस किस तरह चलाना है अगर कैमरे नहीं लगाए तो इन्होंने कसूर है क्यों नहीं इतने कैमरे लगाए क्यों नहीं बाहर आउटसाइड कैमरे लगाए ये प्रशासन की नलायकी हैगी नलायकी आ सब तो वड्डी नलायकी यही हैगी कैम साहब रेगुलर स्टाफ होवे उन्होंने भी फड़न लगी है ठेकेदारी सिस्टम है छे महीने तो आते ठेकेदार मुड़के कट के बाहर मारता छे हज़ार सत्त हज़ार तनखा दिता वा एक की सिस्टम है वा और सर एक ना बच्चा इन्हों तो इतने ना कोई लेडीज इन्होंने कोल पहले बैठे थे इन्हों का जोड़ा गुरप्रीत सिंह मुड़ा उन्हें बच्चा जोड़ा ही इन लेडीज़ को फड़ा के तो बाथरूम कर गया ही तो वो जो बाथरूम करके आया तो बच्चा चुप के जनानी जी ली तो बाकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है सामने ही तो जो भादी कार रही करके छती छती बच्चा जो बरामद किया जाए मजूपुरा पिंड है जी तरन तारण जिले का फुटेज के हिसाब से दो जने ने ये तीन दसते हैं जो फुटेज कैमरे जो कार्रवाई होने को दरखास्त जो भी देने बनती कार्रवाई करके तो बच्चे की भाल की जाएगी ये सवेरे चार बजे साढ़े को आए हैं उ जी ये काम 3:51 से होया सामने पीड़ित परिवार ने मीडिया के नाल गलबात दौरान दसिया कि साड़ी धी दे घर 14 साल बाद संतान पैदा हुई साड़ी कोल प्राइवेट हस्पताल जाने दे लई पैसे नहीं सन इस करके असी सरकारी हस्पताल दे विच अपनी धी नू दाखिल कराया पर एक औरत ने बच्चा चुकिया ते फरार हो गई परिवारिक मैंबरां ने हस्पताल प्रशासन अते पुलिस उत्ते कारवाई ना करन दे गंभीर दोष लाए ने बच्चा चोरी करके लै जाण वाली औरत सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है अमृतसर तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।